Hey, good morning travelers, क्या हाल चाल आप लोग? सुबह सुबह अपनी सवारी कहाँ चलती है? ये हम नई दिल्ली रेलवे स्टेशन आए हैं। अरे ये हमारे भाई साहब सुबह सुबह बोलते हैं चलो कहाँ चले, कहाँ चले, कहाँ चले? माता के दरबार। माता के दरबार कह रहे भाई साहब, माता के दरबार चलो। फिर अभी हम लोगों ने डिसाइड किया, वंदे भारत हमने पकड़ लिया, कैसे तैसे तत्काल निकाल ली थी हम लोगों ने। फिर अब जा रहे हैं, हम कटरा जा रहे हैं, फिर कटरा जाके वैष्णो देवी जाएंगे, फिर उसके बाद माता के दर्शन करेंगे। आपको यहाँ सुबह सुबह तो आगे 6 बजे नींद, अभी यहाँ मल रहा है लौंडा हमारा, उसको उठा के ले आए हैं, रात में सोया नहीं है। फिर उसके बाद हम वंदे भारत, हमें सीट 12 मिल गई है। अब देखो कैसे जाते हैं हम लोग, बैठ के जाना पड़ेगा, कोई तो है नहीं, बाद निकलेगा फिर देखते हैं। अभी वंदे भारत के आपके ट्रैवल एक्सपीरियंस शेयर करेंगे आपको, चलो अंदर चलते हैं। तो गाइस, ट्रेन में बैठते ही हमारे दो लौंडे ढेर हो गए हैं, ऐसे बिछे हुए हैं जैसे पता नहीं मुर्दा लेटे हो। देखो दिखाता हूँ तुम लोगों को, ये देखो दोनों लौंडे हमारे ढेर हो चुके, एक तो मुँह फाड़ के सो रहा है। सो गाइस, अभी का अपडेट कुछ ऐसा है, अम्बाला कैंट हम पहुँचने वाले हैं। अभी टाइम हो रखा है अराउंड 7:30 के आसपास, तो अम्बाला कैंट आई थिंक हम 10 से 20 मिनट में पहुँच जाएंगे। और अभी तक का एक्सपीरियंस वंदे भारत का काफ़ी अच्छा रहा है। ट्रेन अभी तक मैक्सिमम स्पीड 132 किलोमीटर पर गई है, और यहाँ पर अभी काफ़ी आपको अच्छी खासी सीटिंग स्पेस है। यहाँ पर लेग रूम भी काफ़ी अच्छा दे रखा है, तो मेरी टांगें पूरी अच्छी तो फैल गई हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको सामान रखने के लिए आप यहाँ पर फ़ोन ऑन रख सकते हो, यहाँ पर फ़ोन ऑन मास्क रख सकते हो, और यहाँ पे बोतल रखने के लिए बोतल होल्डर दे रखे हैं, दो हैं सिटिंग। आप दो जने हो तो यहाँ पे दोनों बोतल आप रख सकते हो। देन उसके बाद यहाँ पे आपको एक चीज़ देखना पड़ेगा कि यहाँ पे चार्जिंग पॉइंट कहीं भी नहीं है, चार्जिंग पॉइंट कहीं भी नहीं दिया है, तो आपको थोड़ा ट्रिकी है यहाँ पर वंदे भारत में। एक थोड़ा ट्रिकी क्या है, चार्जिंग पॉइंट आपको सीट के नीचे दे रखा है, आपको अगर फ़ोन वन चार्ज करना हो तो सीट के नीचे चार्जिंग पॉइंट है। देन अभी सीट उतनी कंफर्टेबल नहीं है, बट काम चला हुआ है बिल्कुल। और अभी ट्रेन अम्बाला कैंट पहुँचने वाली है, अभी ट्रेन की रफ्तार है 111 किलोमीटर के आसपास, तो हम जल्दी अम्बाला कैंट पहुँच जाएंगे। और ये देखो, और यहाँ पे ये लाइट है, अगर अंधेरा अंदर हो तो आप यहाँ से लाइट ला सकते हो। तो गाइस, अभी हमने चाय ऑर्डर करी थी, ये 16 रुपये की चाय है, बट बिल्कुल वर्थ नहीं है, टेस्टलेस है, आप किसी चीज़ का टेस्ट नहीं आएगा। सिंपल गर्म पानी आपको दे रहे हैं 16 रुपये में गर्म पानी, IRCTC वालों क्या करते हो आप लोग, गर्म पानी पिलाना था सिंपल 5 रुपये गर्म पानी पिला दो यार, 16 रुपये की लूट मचा रखी आप लोगों ने, 16 रुपये का गर्म पानी बहुत कॉस्टली है, कहाँ ले जा रही है इंडिया, पानी पिला के आप लोग मारोगे गरीब लोगों का तो बैठ हो जाओगे। नाम बड़े दर्शन छोटे हैं, वही वाला हाल है। रिकमेंड करता हूँ आप ट्रैवल करो वंदे भारत में तो चाय तो अवॉइड ही करो, बहुत ही गंदी चाय है, बिल्कुल टेस्ट है। अब पानी रखो, जूस रखो अपने साथ, वो बेटर है, आप जूस पियो, जूस करते हुए जय माता दी बोलते हुए जाओ। सो गाइस, अभी आप सोच रहे होंगे इस ट्रेन में कर्टन तो दिए नहीं है, अगर धूप लगेगी तो आप लोग क्या करोगे, तो ये स्लाइडर दे रखा है, ये आप डाउन करोगे तो आपको धूप से थोड़ी राहत मिलेगी, क्या पता धूप भी पूरा एब्जॉर्ब कर ले और आपको थोड़ा इजिटेशन ना हो धूप से, तो ये स्लाइडर दे रखा है, आप इसको ऊपर नीचे अपने सुविधा अनुसार ऊपर नीचे कर सकते हो और मजे कर सकते हो। ये हमारा लौंडा फिर सो गया है। नजर में ख्वाबों की बिजलियां लेके चल रहे हो तो जिंदा हो, हवा के झोंकों के जैसे आजाद रहना सीखो, तुम्हें एक दरिया के जैसे लहरों में बहना सीखो, हर एक लम्हे से तुम मिलो भूले अपनी बाहें, हर एक पल एक नया समा देखेंगे निगाहें, जो अपनी आंखों में हैरानियां लेके चल रहे हो तो जिंदा हो। तो गाइस, यहाँ पे डोर्स भी ऑटोमेटिक है, आप सेंसर लगे हुए हैं। तो गाइस, आप कभी इमरजेंसी सिचुएशन हो, कभी को आपको मोटरमैन से बात करनी हो,
जो ट्रेन चला रहा है उससे बात कर रही हो, तो आप यहाँ पे लॉन्ग प्रेस करके यहाँ पे बोल सकते हो और डायरेक्ट आप ट्रेन के ड्राइवर से बात कर सकते हो, अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हो और इमरजेंसी सिचुएशन में कुछ भी हेल्प चाहिए, डॉक्टर चाहिए कुछ भी, तो आप उनसे कॉन्टेक्ट करके आप अपनी बात कह सकते हो। यहाँ पर आपको किसी भी लॉन्ग प्रेस करना है, इसको प्रेस करना है, इसके ग्रीन लाइट चलेगी और आपको अपनी बात कहनी है। सो गाइस, वंदे भारत का टॉयलेट बिल्कुल अभी बहुत ही गंदा हो रखा है, टॉयलेट का कुछ ऐसा सीन है, बहुत ही गंदा टॉयलेट है। वही कहते हैं ना, नाम बड़े दर्शन छोटे हैं। देखो टॉयलेट सीट भी पूरी भरी हुई है, बहुत बुरी हालत है। अभी वंदे भारत को रन होते हुए अराउंड 2 साल ही हुए हैं, 2 साल में इसकी ऐसी बुरी हालत हो गई है, क्या कर सकते हैं। लोग हमारे यहाँ गहरामी है, गंदगी मचाते रहते हैं हर जगह। हमने अम्बाला कैंट पे रुके थे और वहाँ पे 2 मिनट के लिए ट्रेन रुकी है, तो हमने आरी फारी भागते हुए छोले कुलचे ले लिए ब्रेकफास्ट करने का। तो अभी टेस्ट करके बताते हैं क्या है इसका टेस्ट। साथ में हमें ये पड़ा था 40 रुपये का एक प्लेट, एवरेज है, मतलब खा सकते हो आप, बिल्कुल एवरेज है। सो गाइस, मिश्रा जी से पूछते हैं, अब तक का कैसा एक्सपीरियंस रहा है? अरे अब तक तो बहुत मज़ा आ गया, मैं क्या बताऊँ आपको। सुबह हम आए, बिल्कुल टाइम से हम आए, जैसे ही हम आए स्टेशन पे हमें तुरंत ही लगा हुआ मिला ट्रेन, और भाई ने बोला कि भाई ए सी वाला में ये वाला अपना बोगी जल्दी बैठो। हम बैठे, जैसे ही हम बैठे कि भाई यू नो ट्रेन स्टार्ट हो गई, उसके बाद हम जैसे ही बैठे नींद तो आ रही थी, रात भर जागा नींद तो आ रही। क्वेश्चन पेपर बना रहे भाई साहब बैठे आज। हाँ भाई, आज छुट्टी मारी है तो जो पेपर देना पड़ेगा बच्चों की क्लास में। एनी वे, अब पॉइंट पे आते हैं, तो जैसे ही मैं आया मैं सो गया भाई। कहते हैं ना, खरगोश जो तेजी से भागते हो बाद चल जाती है फिर सो जाती है, वही हाल इनका है। बॉडी को रेस्ट चाहिए ब्रदर, बॉडी को रेस्ट चाहिए, ऐसे समझो। अभी ट्रैकिंग करती है 20 किलोमीटर की, मैं उसी को मेंटली प्रिपेयर हो रहा हूँ कि 20 किलोमीटर ट्रैकिंग करनी है और मैं उस पर आराम होगा तभी तो मैं कर पाऊंगा ना, अदरवाइज फिर से खरगोश कैसे बनूंगा जो अपना नाम है खरगोश। राइट, उसको वो करना है, जस्टिफाई भी तो करना है, नाम को जस्टिफाई करना है। ट्रू, उसके बाद फिर हम यू नो अभी छोले कुलचे खाए तो मजा आ गया। आप कभी भी आओ। अभी एक इंसिडेंट ऐसा भी हुआ था, एक आंटी थी उन्होंने बनारसी वाली ट्रेन को छोड़ के वंदे भारत ये कटरा वाली वंदे भारत पकड़ ली थी और उनके साथ बहुत ही बड़ा गंदा सीन हुआ था, वो लिटरली रोने लगी थी क्योंकि टाइमिंग सेम है मुकेश, और यू नो एक ही स्टेशन के बाद बगल बगल में लगता है तो कंफ्यूज हो जाते पब्लिक। एक ही प्लेटफॉर्म पर लाइक ये 16 है या 15 पर लगता है, तो वंदे को दोनों का नाम वंदे भारत, दोनों का कलर सेम, कलर सेम, डायरेक्शन अलग अलग है, वो कंफ्यूज टोटली कंफ्यूज हो गई थी। फिर उनके साथ बहुत ही गंदा सीन हुआ, ऐसा फाइन वाइन भी लगा होगा और ट्रेन तो छूटी गई उनकी। उन्होंने किसी से पूछा होगा वंदे भारत में जाना है कौन सा है, बता दिया ये वाला, ये गलती हुई उनसे, बहुत बड़ी मिस्टेक है ये वाला। तो जो भी आओ अपना टिकट नंबर ट्रेन नंबर देख के आप चढ़ा करो ट्रेन को, सब और कटरा वाले में ना कटरा वाले में चढ़ना है, कानपुर वाले में तो कानपुर वाले। 2-3 बार कन्फर्म कर लिए हुए या आपको समझ में आया तो किसी से पूछ लिया, और पहले आओ टाइम से पहले आओ, अगर आप लास्ट मोमेंट में आओगे ट्रैवल आप कभी भी ट्रैवल कर रहे हो तो कोशिश करो 1 घंटा पहले घर से निकलो और स्टेशन पे एटलीस्ट आधा घंटा पहले बोलो, तो आप सारी चीज़ें ऑब्जर्व कर लो, स्टेशन नंबर ट्रेन कहाँ लगी हुई है, आप बॉगी नंबर क्रॉस चेक कर लो, तो आपके लिए बेटर रहेगा आपके लिए। हाँ, बाकी ओवरऑल ट्रेन इज गुड, बस सिटिंग कंफर्ट के लिए ठीक है, लेकिन आप सोना चाहोगे तो सॉरी मुश्किल, सिटिंग कंफर्ट तो उतना ठीक नहीं है, बट काम चला सकते हैं बाकी, पर क्या करें आपको 8 घंटे में कटरा छोड़ रहे हैं, इससे बड़ी बड़ी सेम डे में आप ट्रैकिंग करके माता के दर्शन कर सकते हो। टाइम बचा, टाइम इज मनी, राइट, टाइम इज मनी। सो अभी बहुत लंबी जल्दी बची है, थोड़ी देर में वादिया शुरू हो जाएंगे, तो आपको वादिया में नज़र दिखाएंगे, देन उसके बाद आपको मिलते हैं कटरा में। चलो, टिल देन मिलते हैं, बाय।